नमस्कार दोस्तों, द वी पी कार्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे महिंद्रा की XUV 300 जो कि है टॉप एंड मॉडल। दोस्तों ये जो है W8 मॉडल है, ये व्हाइट कलर में था लेकिन भाई ने परचेस किया है तो इन्होंने अभी वो डोल टोन में किया है, रूफ जो है ब्लैक में कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं फ्रंट से। ये है इंडिकेटर, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ये क्रोम ग्रिल दोस्तों, और महिंद्रा का बटरफ्लाई वाला लोगो। अभी देखते हैं तो फ्रंट में आपको फॉग लैंप और फ्रंट में दो सेंसर भी मिल जाते हैं दोस्तों। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि ठीक ठाक है। कॉम्पैक्ट एसयूवी है दोस्तों, बढ़िया गाड़ी है। इसमें आपको चार वेरियंट्स मिलते हैं और ORVM पे आपको इंडिकेटर और डुअल टोन में ORVM है दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट डुअल टोन में मिल जाते हैं। तो चार वेरिएंट की मैं बात कर रहा था, उसमें W4, W6, W8 एंड W8 ऑप्शनल, ये चार वेरिएंट मिलते हैं। और मस्कुलर लुक है दोस्तों, वाइपर वॉशर, और देखिए ऊपर आपको रूपरेल मिल जाते हैं जो भी, और वो सनरूफ मिलता है आपको जो कि है W6 मॉडल से मिल जाते हैं। भाई ने इसको ब्लैक में रूप किया है, इसका मतलब डोल टोन की है। पहले ये डोल टोन में मिलती थी, अभी नहीं मिलती है। अगर टायर की बात करें तो 16 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, 205/65 R16 के टायर्स मिलते हैं। और इसमें आपको अलॉय व्हील जो कि है डायमंड कट में, जो महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। और रियर व्यू की बात करें तो रियर व्यू भी बहुत ही बढ़िया है एसयूवी का, आप खुद देख सकते हो। रियर में आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं, वाइपर, ये स्टॉप लैंप और ये एंटीना है दोस्तों, पावर एंटीना, और ये बड़ी सी टेल लाइट रियर में। और रियर में आपको महिंद्रा का जो बटरफ्लाई वाला लोगो वो भी दिखाई दे रहा है अभी। और ये रिफ्लेक्टर्स और पीछे आपको सेंसर्स मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की मैंने आपको बता दिया 180। अगर हम बात करें इंटीरियर की, इस तरह से इंटीरियर है दोस्तों। ये डोर पैनल है, डोर पैनल में आपको चारों पावर विंडो, ORVM के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक बटन, स्पीकर्स, ट्विटर, दो ट्विटर मिलेंगे आपको W8 में, बॉटल होल्डर, दो दो बॉटल होल्डर है इसमें और एक पेपर होल्डर है। डोर पैनल तो बढ़िया लग रहा है, वो भी डुअल टोन में है। इस देखिए स्टेयरिंग व्हील पूरा राउंड शेप में है, वॉल्यूम कंट्रोल्स, अप डाउन, कॉल रिसीव, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से आप। और ये क्रूज कंट्रोल्स है, आप यहाँ से आप इग्निशंस के मतलब सेटिंग्स कर सकते हो। ये वाइपर वॉशर और ये हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, रैप किया हुआ है, मुझे लगता है भाई ने परचेस करने के बाद किया है शायद वो। ये देखिए या पैडल से, और यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 7 इंचेस का स्क्रीन मिलता है। और एसी जो है, ये एसी के कंट्रोल्स, इस तरह से लुक है XUV का। यहाँ पर आपको USB सॉकेट, 12 वोल्ट चार्जिंग के सॉकेट्स, ये सॉकेट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। 6 गियर मैनुअल और ये हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी आपको दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, ये ग्लो बॉक्स है। और ये रियर साइड में, मतलब सॉरी को ड्राइवर साइड में ये ग्लो बॉक्स है। डायरी पेन रखने के लिए भी दिया है उन लोगों ने, ये छोटा सा स्टोरेज। और इसमें आपको दो एयरबैग्स मिलती है, वैनिटी मिरर मिल जाएगा। देखते हैं ड्राइवर साइड में, टिकट होल्डर तो नहीं है, टिकट होल्डर देना चाहिए था, टॉप एंड मॉडल है तो, मतलब टॉप एंड मॉडल इसका W8 ऑप्शनल है, ये W8 है, सेकंड टॉप एंड मॉडल है। सनरूफ के कंट्रोल्स, IRVM डे एंड नाइट है। सीट्स की बात करें तो लेदर सीट्स है और हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, आप एडजस्टेबल मतलब हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और सीट भी एडजस्टेबल है। चलिए रियर में देखते हैं कंफर्टेबल है या नहीं, सीट्स कैसे हैं।
भाई ने कुछ मिठाई वगैरह ले कर रखी थी बैग्स में, और रियर में भी आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, इस तरह से रियर का लुक है। लेकिन इसमें आपको रियर में एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, डैशबोर्ड का लुक देखिए, एसी वेंट्स नहीं है, चार्जिंग सॉकेट भी नहीं है आपको, ठीक ठाक है। मतलब स्पेस तो बहुत है इसमें, लेकिन स्पेस देने के लिए उन लोगों ने बूट में स्पेस कम कर दिया है। ये आपको रीडिंग लाइट मिलता है, ग्रैब हैंडल, ये डोर पैनल है सिल्वर में, और पावर विंडो तो आपको बोला मैंने, चारों पावर विंडो है ब्लैक फिनिश में है वो, और डोर मतलब जो ग्रैब हैंडल है ब्लैक फिनिश में है। बॉटल होल्डर तो पीछे भी मिल जाता है, पीछे बैठने वालों के लिए। तीन आपको हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे, ये इग्निशन है, बढ़िया लुक है इग्निशन का, बहुत ही मस्त लुक है। ये बूट की बात करें तो 257 मतलब 257 लीटर का बूट है, ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है बूट स्पेस। और ये स्पेयर व्हील भी उतना ही मिलता है आपको, R16 का टूल किट। तो इस तरह था XUV300 का रिव्यू। शोरूम में मुझे गाड़ी अवेलेबल नहीं हुई दोस्तों, इसलिए मैंने जो ये भाई है उन्होंने परचेस किया था उनसे परमिशन लेके मैंने ये वीडियो बना दिया। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह से है अपनी XUV300, बहुत लोगों की पसंद है, मतलब आपको अगर लेना है तो टॉप एंड मॉडल 14 से 15 लाख तक आ जाता है। इसकी शुरुआत है 8,41,000,